सारठ के विधायक रणधीर सिंह ने जयराम महतो को दी खुली चुनौती। तो पटिया जीतो जो अभी जयराम महतो यहाँ आता है जीत जाएगा चुनाव, जीत के दिखावे। मैं तो जयराम महतो को कहता हूँ आप आओ साठ से लड़ो चुनाव और जीत के दिखाओ रणधीर सिंह के विरुद्ध में। तुम टुंडी में बैठो तो आग महतो के हमें आग महतो की तो सब बड़ो महतो रणधीर सिंह महतो की याद है। जी हाँ, रणधीर सिंह की जयराम महतो को खुली चुनौती। कहा पहले चुनाव लड़ नुनु तकर बादे दिए हमरा गाड़ी। विधायक बनो ना यार, पांचवे विधायक सीट जिताओ ना, उसके बाद बोलना हम मुख्यमंत्री बनेगा, कानून बदल देंगे देश का। तभी पहले तो वहाँ जीते ना, वहाँ मौत तो मोते टकराता, जहाँ घर में मैं मौत हूँ तो मौत में टकरा लू। तो जैसा हमको यहाँ सिंह से टकराना होता है, हम यहाँ सिंह से टकर होता है, वहाँ कौन कौन मौत में टकरा लू। हाँ, चाहे तुम टुंडी लड़िएगा वहां मौत टकराना होगा, सिंधी लड़िएगा वहां मौत टकराना होगा, गोमिया लड़िएगा वहां मौत टकराना होगा, आपका जाके सिली लड़िएगा वहां मौत टकराना होगा, इचागढ़ से लड़िएगा वहां मौत टकराना होगा, डुमी लड़िएगा वहां मौत टकराना होगा। तो लड़ में कहा बात हूँ, बोले लड़ अपना जीत तकर बाद हम गिर आई हूँ। रणधीर सिंह नुनू मसी करता है, नुनू मसी हम नहीं करते हैं। जनता नुनू मसी पर नाचता है, विधायक सब खुशी में नाचता है। ठीक सुना आपने, ये भारतीय जनता पार्टी के सारठ के विधायक रणधीर सिंह है, जिन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान जयराम महतो को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि 2 से 5 हजार वोट काट लेने से क्या मैं सारठ से चुनाव हार जाऊंगा। तो हम तो नहीं जवाब, अब छोटा नेता से हम क्या भाषण दें, उसके सामने हम मुंह क्या लगाएंगे, नहीं लगाते। पहले आप जीतिए 24 में और पहले रणधीर को हराइए, साठ से पहले हमको हराइए आकर लड़के। आप यहाँ किसी जयराम महतो पार्टी से कोई कैंडिडेट लड़ेगा साठ से वो 2000 वोट काट लेगा, तो क्या रणधीर सिंह को रणधीर सिंह हार जाएगा चुनाव। आप मैं तो जयराम बाबू को कहता हूँ आप साठ से लड़ो, मैं भी तुम्हें चुनाव। अब यहाँ लड़िए ना, यहाँ जनता सेवा करिए, क्यों भड़काते हैं आके यहाँ पर। आप भड़का के 2000-4000 वोट से हमको हरा दीजिएगा, उसके बाद क्या होगा, चुनाव सिंह जीत जाएगा, चाहे भक्ता जीत जाएगा जेएमएम से, तो कोई जनता को देखने आएगा 3 बजे? आज 1 बजे रात को कोई आएगा यहाँ पर? इसके पहले कभी 1 बजे रात को आया है कोई क्या? सारठ के विधायक रणधीर सिंह के इस बयान के बाद पूरे झारखंड में जयराम महतो के समर्थकों में काफी आक्रोश है। हम इस समय बोकारो विधानसभा में हैं, जहां जयराम महतो के कई समर्थक इस समय हमारे साथ हैं। इस समय राज भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रतिक्रिया उनसे ले लेते हैं। नुनू पहले चुनाव लार तब गाड़ी दी है, ये विधायक जी कह रहे हैं। तो विधायक जी को यही बोलना चाहते हैं, सबसे पहले मेरे तरफ से क्रांतिकारी जोहार आपका चैनल को और उनको भी जोहार रहेगा कि दादा या तो जोहारे कर ले, या तो हमने के आंदोलन के बारे में जिक्रे कर ले, या तो भाजपा के गुनगाओ। चुनाव हमने लड़बो या ना लड़बो खलबली तो रखने से लागी गेला हो। 2 साल पहले आंदोलन स्टार्ट भेलो, भाषा संस्कृति खतियान के बारे में एगो चूचा नहीं निकललो, लेकिन अब जब चुनाव सामने हो नजदीक हो तब तरह एकदम साठ गांठ है लगलो, तो डर खलबली अच्छा लगलो, डर तर अच्छा लगलो, टाइगर के डर अच्छा लगलो, खौफ सारठ में डर अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी, कह रहे हैं कि 2-4-5 हजार में ही सिमट जाएंगे आप लोग। विधायक जी तो जो बोल रहे हैं वो गलत है, क्योंकि वो खुद एक भगोड़ा विधायक है जो अपने एक माँ समान पार्टी का ना हो पाए, बाबूलाल जी को छोड़ चुके हैं। वो हमारे JBKSS कार्यकर्ताओं से क्या टक्कर लेंगे, वो समय बताएगा, 24 बताएगा कि हमारे में कितना खून गर्म है और आप में कितना खून गर्म है। देश की सबसे बड़ी पार्टी का विधायक इस तरह स्टेज पे चढ़कर किसी को खुली चुनौती देता हो, ये झारखंड में कम ही देखने को मिलता है। शर्मा जी हमारे साथ हैं, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी जीत के बाद इस विधायक का इस तरह बयान देना, ये कौन सी घबराहट दिख रही है, क्यों डर लग रहा है विधायक जी को? हिमांशु जी, सबसे पहले तो आप जिस वक्तव्य की बात कर रहे हैं वो वक्तव्य सचमुच अब झारखंड की राजनीति का चेहरा प्रदर्शित करने लगा है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और उसके टाइगर जयराम महतो के नाम का चर्चा अब विधायक खुद करने लगे हैं। पहले तो लोग कहते थे कि ये बच्चा है क्या कर लेगा, आया है खेलेगा कूदेगा और निकल जाएगा, लेकिन अब विधायकों को खुद लगने लगा है कि कहीं मेरे क्षेत्र का 5000 काट लिया तो हम कहाँ चले जाएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी कहती है, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के एक कद्दावर नेता कहते हैं
कि मेरे क्षेत्र में अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, 5000 वोटुए काट लेंगे ना, 5000 वोटुआ काट के हमको हरा देंगे। मतलब उनको ये लगने लगा है कि कहीं 5000 गया तो हम भी जा सकते हैं और हम गए, इसलिए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये राजनीतिक भाषा भी होती है, कहीं पर जयराम ने शायद उनको कोई टोन में कहा होगा कि नुनू मोसी वाला विधायक है ये क्या करेगा, ये नाच रहा है जगह जगह खड़ा होके, तो इन्होंने भी कहा कि चलो उसी अंदाज में बोलते हैं। इनका अंदाज भी ऐसे ही होता है, बाबूलाल के साथ भी देखो उन्होंने क्या कहा कि बाबूलाल नहीं कर पाया तो ये क्या कर लेगा। खुद अपने ही नेता को जब उन्होंने इस तरह की बातें कही, लेकिन और क्या क्या कहा है जरा आपको हम सुनाते हैं, जिसमें सारण के विधायक ने साफ तौर पर कहा है कि पहले महतो विधायक से ही आपको भिड़ना होगा, चाहे आप गोमिया से चुनाव लड़िए चाहे टुंडू से, आपको महतो विधायक से ही पहले भिड़ना होगा। चलिए आपको पहले सुनाते हैं कि रणधीर सिंह ने और क्या क्या कहा है। के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई खतियान के नाम पर, हम खतियान दिला देंगे तो बाबूलाल मणि दिलाए नहीं पाया, 32-32 करके सरकार चला गया और फिर चला गया आपका अहमद औद चले गए भीतर, इसलिए कोई बकावता आपको बकाइए मत। 32 में भी झारखंड में 32 में भी खतियान बना है और 64 में भी यहाँ खतियान बना है, 64 वाले कहाँ जाएंगे? कुछ कुछ खतियान तो पलामू साइड में 1980 में भी बना है, इसलिए बहुत सोच समझ के हम लोग 85 किए थे। रघुवा दास और रणधीर सिंह कोई बेवकूफ नहीं था जो 85 हम लोग किए थे नियोजन नीति। आपने एक आरोप जो झारखंड की राजनीति में जयराम महतो पे लगातार लगते आ रहा है, उसी आरोप पे आज सारण के विधायक ने भी आरोप लगाया है। शर्मा जी फिर से हमारे साथ हैं। शर्मा जी, साफ तौर पे इंकित किया है कि जहां भी जाएंगे पहले महतो विधायक से ही आपकी लड़ाई होगी। नहीं, बिल्कुल उन्होंने एक तरह से बताया जातिवाद के बारे में कि मैं सारण से लड़ता हूँ और मेरा जो सबसे प्रतिद्वंदी चेहरा है शशांक शेखर भोक्ता खुद उन्हीं के समाज से आते हैं, उन्हीं के जाति से आते हैं, चुना सिंह उन्हीं के जाति से आते हैं, तो मैं सारण से लड़ रहा हूँ, अपनी जाति के खिलाफ मुझे लड़ना पड़ता है। आप भी जहाँ जाइएगा चुनाव लड़िएगा तो आपके समाज के लोगों का चेहरा आपके सामने आएगा और वही सबसे पहले आपको प्रतिद्वंदिता दिखाएंगे, तो इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि दूसरी जाति के लोग से आपका टक्कर है तो ये भूल जाइएगा, सबसे पहले आप जहाँ जाइएगा आपकी जाति के। लेकिन जातिगत राजनीति की शुरुआत जो भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव से पहले से कर रही है, यानी एक तरह से कहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जातिगत आधार पर जो झारखंड की राजनीति है, झारखंड के मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश जरूर करेगी। हिमांशु जी, एक और अहम प्रश्न उन्होंने उठाया है और साफ तौर पर स्टेज से कहा है कि नुनो ऐसे ना है, हमने सब 85 लागू के लिए हल, यहाँ 32-32 चिल्लाते आप लोग रह जाएंगे लेकिन 32 कभी पास नहीं कर पाएंगे। 32 चिल्लाते बाबू लाल मराठी चले गए, उनकी सरकार चली गई, हेमंत सोरेन घर घुस गए, आप लोग कैसे 32 दिलाइएगा? विधायक जी पूछ रहे हैं। तो विधायक जी को जानकारी होना चाहिए कि आप जानते हैं कुंभकर्ण जैसा सोए हुए थे कान में तेल लगाकर, और ये 1.5-2 साल के बाद आपको कोई कान खुजलाया तब जागे हैं। जो जो वो क्वेश्चन बोले हैं, जो जो भाषण दिए हैं टाइगर 1.5 साल पहले, वो जवाब के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ दे चुके हैं। 32 बोल चुके हैं कि सर्वे सेटलमेंट अंतिम सर्वे सेटलमेंट था झारखंड का, जो कोल्हान छोड़ के अन्य जगह काफ़ी जगह हो चुका है। 1972 से 1982 में एक और सर्वे सेटलमेंट हुआ था जो कि खारिज किया था बिहार सरकार में खारिज किया था। और वो जो बोल रहे हैं कि 80 पलामू और 85 लागू इसलिए हम लोग किए हैं, जब 72 से 82 जब खारिज हुआ है तो 85 लागू कौन हिसाब से कर दिए जी? अंतिम सर्वे सेटलमेंट तो 32 है। और रहा बात यहाँ डिवाइड का कोई बात ही नहीं है, आप 64 का बात किए हैं ना, टाइगर ये भी बोल दिया है कि जिसका खतियान भी नहीं है और वो झारखंड ही है उसको भी परिभाषित कैसा किया जाए वो भी बोल दिया, जहाँ 32 को केंद्र माना जाए और उसके बाद अगर 1964 कोल्हान में है तो कोल्हान में 64 किया जाए, और जहाँ आपका खतियान भी नहीं है वहाँ ग्राम सभा का यूज़ किया जाए, वो तो पहले 1.5 साल पहले ही बोल दिए। हमको लग रहा विधायक जी को ना टाइगर का वीडियो ठीक से देखना चाहिए और इस आंदोलन को गौर से देखना चाहिए। चमचागिरी छोड़ दीजिए, और जातिगत का बात बोल रहे हैं ना, तो तलवार चाटने वाला हर जाति में निकलेगा, सिर्फ महतो में नहीं अदर कम्युनिटी में, वो लोग पाटीदारी। हम तो बोल रहे हैं जो माटी का नहीं वो पार्टी का नहीं हो सकता, वो झारखंडी का नहीं हो सकता। सारा पार्टी को छोड़कर जब झारखंडी हित में लड़ाई हुआ सभी को आए, इन लोग का कसाब सुंगा हुआ था, जो भाषा संस्कृति का मैटर में ये लोग कुछ बोले नहीं, खतियान का बात आए खतियान में नहीं बोले। अच्छा, झारखंड अगर भाजपा अलग करवाया है तो झारखंड का पहचान पत्र क्या है रणधीर सिंह बता दे हमको? सारठ हम लोग अभी तक सोचे नहीं थे, और उबोर है ना
बता दे रहे हैं कि एक ऐसा कैंडिडेट डालेंगे ना कि सारठ में एक वोट लाने नहीं देंगे, क्या समझ के रखे हैं? लेकिन बोल तो रहे हैं कि सारठ से चुनाव लड़िए, आपकी 2000 की कैपेसिटी आप 2000 में सिमट जाएंगे। हाँ तो हम लोग तो नहीं सोचे थे सारठ के बारे में, लेकिन लग रहा सोचना पड़ेगा। टाइगर काहे लड़ेंगे जी, टाइगर का उनका वजूद है टाइगर के सामने। टाइगर जहां जाएगा बिना पैसा का लाखों भीड़ होता है, 5000 भीड़ करवा दे बिना पैसा का, टाइगर का दूत लड़ेगा अगर लड़ेगा भी तो। अभी तो सोचे नहीं है, लेकिन ऐसा भाषण दोबारा दिए तो सोचने में मजबूर करेंगे और दोबारा सत्ता पे नहीं आ रहे देंगे ऐसा हम वादा करके जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि झारखंड के तमाम विधायक कहते हैं कि मेरे क्षेत्र से आके टाइगर लगे, आपका टाइगर कमजोर है क्या? कमजोर? अच्छा सुनिए, सारठ का विधानसभा क्षेत्र का आप महिला ले या पुरुष ले या हमारे जैसा नौजवान ले, मुंह से बुलवा देंगे तो फोन करके टेलीफोनिक बात करवा देंगे। वो इंसान खुद भागलपुर में शादी किया है, जाहिर सी बात है झारखंड हित में बोल नहीं सकता क्योंकि बिहार उसका नाराज हो जाएगा। आज पूरा आंदोलन में शुरू आंदोलन में जनवरी का 31 जनवरी मानव श्रृंखला में मेरा एक बड़े भैया राजपूत है, नाम नहीं लेना चाहते, हम ये बात कहीं नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन आज इनका भाषण सुन के बोलना पड़ रहा है कि हम, वो हमको फ़ोन किए कि अरे हम लोग सशरीर सहसम्मति से आपके साथ है लेकिन खड़ा नहीं हो सकते क्योंकि हम पार्टी से हैं। और रहा बात कि मेरा जो है मगध में शादी हुआ है तो कहीं हम जाएंगे तो मेरा ससुराल वाले नाराज ना हो जाए, तो उस हिसाब से ये बोल रहे हैं कि अगर हम झारखंडी हित में बात करेंगे तो उनका बिहार जो है ससुराल वो नाराज ना हो जाएगा। तो दादा एक एक चीज़ बोलेंगे, आप बिहा करके लाए हैं, आप उनका दामाद है, आप घरेलू दामाद नहीं है, घर जवाई नहीं है जो उनसे डरिएगा, आप मर्द है। अगर आपका कल का बच्चा होता तो आपका टाइटल लेगा, आपका झारखंडी का बात करेगा, बिहार का नहीं करेगा, माँ का टाइटल नहीं लेगा, तो ये सब सोचिए। एक और बड़ा प्रश्न उठता है राज जी कि पूरे झारखंड में टाइगर की चर्चा होती है, टाइगर के चाहने वाले बहुत लोग हैं, टाइगर तो आपने कह दिया है जंगल में एक ही टाइगर है, चुनाव लेकिन लड़ना है हर विधानसभा में, किसके नाम पे लड़ेंगे? टाइगर के नाम पे ही केवल चुनाव लड़ेगा, संगठन तो है नहीं आपके पास। टाइगर झारखंडी के लिए बना है और झारखंड से टाइगर को माना गया है, इन्हें मत बोलिए कि टाइगर के लिए कर रहा है, कोई टाइगर के लिए नहीं कर रहा है। टाइगर का जनभावना जो है वो पूरा झारखंड मान चुका है और अपना नेतृत्व करता है। संगठन का कैसे चुनाव लड़ेंगे? संगठन है ना हमारा JBKS, झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति, और JBKS नाम ने एक ब्रांड है, मात्र एक ही नेता ब्रांड है। क्यों एक ही नेता ब्रांड है? बेबी मतों का देखिए, बच्ची है देखिए दहाड़ के रखी है, आप इधर मोतीदा को देखिए, रीढ़ का हड्डी है वो हमारा, देखिए अगर आप जहाँ खड़े हैं वहाँ कौन नेता है? जिनसे बात कर रहे हैं राजकिशोर महतो जिंदाबाद बोकारो विधानसभा से, उसके बाद कोई नेता, और हर एक नेता पार्टी का जो नियम होता है कि जिला अध्यक्ष होता है, प्रखंड अध्यक्ष होता है, सदस्य होता है, नहीं, तो क्यों नहीं बनाया जा रहा है? प्रोसेस में भैया अगर आप देखेगा तो प्रोसेस पूरा झारखंड में हम लोग का पंचायत स्तरीयकरण चल रहा, प्रखंड स्तरीयकरण चल रहा, प्रभारी बनाया जा रहा, अदर अदर जिला का चल ही रहा है। मतलब शर्मा जी ये जो विधायक हैं जो कॉन्फिडेंस भरे लहजे में बोलते हैं कि 2-5 हज़ार में ही सिमट जाएंगे, इसका प्रमुख कारण क्या है? क्या वो समझते हैं कि ये केवल दहाड़ मारकर घर घुस जाएंगे क्योंकि इनके पास संगठन नहीं है? नहीं हिमांशु जी, जैसा लगता है मुझे इस पूरे मामले में, जहाँ तक लगता है कि जयराम महतो के साथ जुड़े हुए नौजवानों को कहा जाता है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, यानी आपके बारे में अगर कोई निंदा आपकी करता है तो उसको सुनना चाहिए, और हमारी जो कमजोरी है उस कमजोरी को दूर करने का सबसे बड़ा कारण हमारे राजनेता ही रहेंगे जयराम के लिए, क्योंकि इनके संगठन का काम इनका चल रहा है। जैसा कि बता रहे हैं, आज मैंने भी कई इनके प्रमुख को से बात किया तो उन्होंने कहा कि जगह जगह हम कमेटी जरूर बना रहे हैं लेकिन चेहरा हम सामने नहीं ला रहे हैं। तो ये जो उन्होंने कहा कि 2-4-5 हज़ार में सिमट जाएंगे, इन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को कन्विंस करते हुए, मुझे लगता है किसी शादी समारोह में शायद गए हुए होंगे, वहाँ पर ये बोल रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि गांव का भी नाम वो बता रहे थे, टोला का भी नाम बता रहे थे कि यहाँ यहाँ मुझे आप डैमेज कर लीजिएगा, तो इससे क्या हो जाएगा? क्या ये जो सारठ क्षेत्र है या सारठ जैसे जी और लोग हैं, इन लोगों से भी जानते हैं, 2-4-5 हज़ार कुर्मियों का वोट काट कर अब आपका नेता क्या नेता बन जाएगा? जरूर बनेगा। बताएगा दादा कि चुनाव में क्या होगा? 2-4 वोट क्या, बहुत ज़्यादा वोट काटेगा। अच्छा बहुत ज़्यादा वोट काटेगा, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी जानते हैं। विधायक जी कह रहे हैं मात्र 2000 ही वोट हर विधानसभा में आप लोग ला पाएंगे, वोट कटवा हैं आप लोग। दादा एगो विधायक जी से बोलना चाहता हूँ कि डर अभी से सता रहा है कि जयराम अभी तो मार्केट में अभी आया नहीं है, वो चेहरा भी छोड़ा नहीं है, इतना जल्दी से आपका डर इतना सताने लगा, ये क्या बहुत बड़ी चीज़, हम लोग का जीत का लहर दौड़ाने स्टार्ट कर दिए आप।
एकदम दौड़ना स्टार्ट कर दिए विधायक साहब। अच्छा, इन लोगों में खुशी की लहर है, जानते हैं थोड़ा और नौजवान हमारे साथ हैं। विधायक जी कह रहे हैं कि मेरे ही विधानसभा से आके चुनाव लड़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, 2000 में सिमट जाएंगे। तो जब सारठ से 2000 में सिमट जाएंगे तो बोकारो विधानसभा में तो शुरुआत भी नहीं कर पाएंगे। विधायक जी कोनो कहले कि ओकर बात तो सही है जीते, वो निजे बिन पेंदी के लोटा लगू, कखन जे कंधे घसको तो ओकरे कोनो ठीक ना हो। बाबूलाल के बारे में अखन कहो और बाबूलाल के छोड़ के वो भागल हो तो बर्बाद बाबूलाल के अखनिए करल दिन ना हो सके। बाबूलाल आज लागू कर देते ले, लेकिन ओकर दहने बामे गिलाई तो ठीक ना, अखने तो पार्टी छोड़ के भाग गेल। टाका चाहिए अखनिक टाका, और 5000 जो वोट काटतो टाइगर 5000 वोट ना करता, तो टाइगर के 5000 वोट काट भी है सारठ से, तो ही 5000 के लायक हैं अब आने वाला 24 में बताई दे हमें झारखंडी युवा। अच्छा राज जी, इसके पहले भी आपने देखा होगा, क्योंकि अभी आप थोड़े दिन पहले आंदोलन कर रहे थे इलेक्ट्रो स्टील के मुद्दे पे, तो उस जगह पे मासेस ने भी एक बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन जब मासेस का उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए आया तो लोगों ने उसे नकार दिया। तो कहीं आपके साथ भी तो यही हाल नहीं हो जाएगा? हम लोग सच्चाई पे जाते हैं मानसुदा, हम लोग आज तक अगर कहीं पे अगर टिके भी हैं ना आज तक, और कोई छू भी नहीं पाया, कोई टिका टिप्पणी भी नहीं कर पाया, तो क्यों, हम लोग सच्चाई पे जाते हैं। खरीदने भी आता है ना तो वो भी जाता है कि बेटा हम किसके पास आ गए, इनके पास तो इनको तो खरीद ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग अगर कोई सच्चाई के पथ पे चलेगा ना तो कोई कांटा भी आ जाएगा ना तो उनको कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इस मतलब सारठ आप लोग चुनाव में जाएंगे कि नहीं? नहीं, ये तो अब हम लोग का चिंतन मंथन बताएगा और उनका बयानबाजी बताएगा। अगर हम लोग कूद दिए, हम लिख के दे रहे सपन जी सही बोले, 5000 का ही लाइक छोड़ेंगे। तो अभी तक मन नहीं था सारे? नहीं, हम लोग तो सोचे ही नहीं थे, हम लोग तो ये सोचे थे कि जहाँ जहाँ हम लोग का टीम मजबूत है वहाँ वहाँ हम लोग फाइट करेंगे। 81 विधानसभा तो हम लोग एटलीस्ट 40-41 सोचेंगे, लेकिन 42वां कहीं सारठ ना हो जाए, 42वां कहीं सारठ ना हो जाए। सारठ का जनता से हमको लग रहा है एक बड़ा ऐलान वहाँ पे सारठ में करेंगे, बड़ा प्रोग्राम करेंगे, सम्मेलन करेंगे और वहीं से आह्वान करेंगे, जनता से पूछवाएंगे कि जो रणधीर सिंह जो बोल रहे हैं, सुनने में आया एक महिला को भी थप्पड़ मारे थे, मंत्री थे तब, जो इंसान औरत महिला का नहीं है वो मर्द कोई काम का नहीं है, वो विधायक छोड़िए वो एकदम चपरासी का लाइक का नहीं है। बात करते हैं टाइगर एक एक चीज़ और, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है और पूछा भी है, प्रश्न भी पूछा है कि कहाँ कहाँ चुनाव लड़ने जाएंगे, टुंडी लड़ेंगे तो महतो ही मिल जाएंगे, डुमरी लड़ेंगे तो महतो ही मिल जाएंगे, गोमिया लड़ेंगे तो महतो ही मिल जाएंगे, जहाँ जाएंगे आपको महतो विधायक से ही सामना करना पड़ेगा, तो अपने ही परिवार के लोगों पर चढ़ाई करेंगे अब आप लोग? नहीं नहीं, देखिए अगर परिवार का बात बोल रहे हैं तो महाभारत नहीं होता, वो भी अपना ही परिवार से युद्ध हुआ था। जब कलयुग में कृष्ण भगवान के रहते हुए युद्ध हो सकता है तो महाभारत जो उस समय हो सकता, कृष्ण भगवान के रहते हुए महाभारत हो सकता है, तो कलयुग में तो कोई भगवान नहीं है, कितना बड़ा युद्ध होगा। और रहा बात महत्व का, तो एक महत्व खड़ा होगा ना जी, बाकी सब जब मतलब जनता को महत्व नहीं है का, जनता हमारा जनार्दन है और जनता जनार्दन टाइगर के साथ है, वो जो खड़ा होगा महत्व वो पाटीदारी होगा, माटीदारी नहीं होगा, वो किसी पार्टी का अंग होंगे, वो हमारा झारखंड हित के बारे में कभी नहीं सोचते, क्योंकि हर पार्टी राज के हम पूछना चाहते हैं, हर पार्टी राज के आप दिए क्या झारखंड को, झारखंड में झारखंडी कौन है उसका तो पहचान पत्र ही नहीं मिला। इससे अच्छा बिहार था जी, जो 72 और 82 को काटे ना, इससे अच्छा बिहार था, एटलीस्ट बिहार सिर्फ लूट रहा था झारखंड को, लेकिन अब ऐसा झारखंड अलग कर दिया है, उसके बाद झारखंड में झारखंडी कौन है उसका पहचान पत्र नहीं है, पूरा देश इसको लूट रहा है। उस समय कम से कम ठीक था कि खाली बिहार लूटता था, आप साला पूरा राज लूट रहा, देश विदेश लूट रहा। अच्छा लास्ट में शर्मा जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, राज कह रहे हैं कि अब सारठ पे विचार करना होगा। जी बिल्कुल, सारठ से चुनौती आई है तो चुनौती का जवाब तो इनकी पार्टी को देना चाहिए, अब ये देंगे नहीं देंगे, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगी कि इनकी पार्टी का सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है कि इन्होंने जहां भी आंदोलन किया उस आंदोलन का परिणाम लोगों को मिला है, और मुझे लगता है जयराम महतो की सबसे बड़ी ताकत वही जो परिणाम है, लोगों को हक और अधिकार दिलाने की बात, वही हक और अधिकार इन नौजवानों को आपस में जोड़ रहा है, और सारठ में अगर वही परिणाम ये दिखा देंगे तो चुनौती तो देंगे। तो सुना ना अपने, ये राम नारायण शर्मा है जिन्होंने कहा कि जयराम महतो का इतिहास रहा है कि जब जब आंदोलन करने के लिए जयराम महतो और उनके सहयोगी आगे बढ़े हैं तो उन्होंने परिणाम दिया है, लेकिन अब परीक्षा में बैठने की खुद की बारी आ गई है और विधायक जी ने कह दिया है कि इनके जो परिस्थिति है वो परीक्षा में अगर बैठेंगे तो 2 से 5 हजार के वोट के अंदर ही सिमट के रह जाएंगे, लेकिन अब वक्त बताएगा कि झारखंड की राजनीति में जब जयराम महतो का प्रत्याशी उतरेगा तो जयराम महतो के प्रत्याशी को कितना समर्थन मिलेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन भोला के साथ जीपी हिमांशु, बोकारो।